आज 29 दिसंबर 2022 की सुबह महादलित बस्ती गोल चौक परिसर में न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट का वितरण किया गया है स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से। हम इसके लिए कुमार फाउंडेशन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ हमारे सामाजिक कार्यों को सहयोग देने के लिए वाल्मीकि नगर के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिनका सहयोग हमें मिलता रहता है। आज इस न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट के वितरण में कास्ट भंडार गोल चौक दलित महादलित बस्ती के आसपास के इलाके के बच्चे और बच्चियां लाभान्वित हुई है, जिन्हें पैकेट दिया गया है। हमारी सोच है कि पोषक तत्वों की कमी किसी बच्चे के अंदर ना हो। ये काफी पौष्टिक आहार है जिसका सेवन दूध के साथ गर्म पानी के साथ किया जा सकता है। बच्चे इसे ऐसे भी खाते हैं तो काफी टेस्टी लगता है, जिसके अंदर काफी पोषक तत्व है। स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट के एमडी संगीत आनंद जी मौजूद है, उनके साथ साथ हमारी संस्था के भारत कुमार जी मौजूद है और इस दलित महादलित बस्ती के बच्चों के अभिभावक भी मौजूद है। मैं इसके लिए फिर से एक बार स्वरांजलि सेवा संस्थान को और सहयोग देने के लिए उपलब्ध कराने के लिए कुमार फाउंडेशन टीम के आकाश कुमार जी को, उनके साथ साथ वाल्मीकि नगर के माननीय विधायक भूपेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो संस्था के समाज कार्यों को सहयोग देते रहते हैं। जिन बच्चों को पैकेट मिला है, उम्मीद करेंगे बच्चे इसका सेवन करेंगे और आने वाले समय में स्वरांजलि सेवा संस्थान के माध्यम से अन्य पड़ोसी पंचायतों तक भी यह फूड पैकेट वितरित किया जाएगा। आगामी 6 जनवरी 2023 को नए वर्ष के मौके पे जब गंडकी महाआरती होगी तो बेलवा घाट परिसर में शाम 5 बजे इसका वितरण होगा। जो बच्चे छूट गए हैं वे महाआरती स्थल पर पहुंचेंगे 6 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे, उन्हें न्यूट्रीमिक्स फूड पैकेट दिया जाएगा। धन्यवाद।